आगे स्वाद। हाँ तो थंबनेल देख कर आई गए तुम लोग। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको पापा की परियोगी दिखाने वाला हूँ। आई मीन पापा की परियोगी हैवी ड्राइविंग दिखाने वाला हूँ। और हाँ, जिन लोगों ने चैनल को अरे कहना क्या चाहते हो, और हाँ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा कर दो यार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ तो चलिए आज का ये अखंड वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको पापा की परियोगी दिखाते हैं। आई मीन पापा की परियोगी हैवी ड्राइविंग दिखाते हैं। नो 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 नो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? भाई साहब ये पापा की परी है, ये कुछ भी कर सकती है। नहीं देख रहे हो तुम, इनसे एक छोटे बच्चे की बाइक तो चलाई नहीं जाती। और बात करती है हवाई जहाज उड़ाने की, अब तुम इस दीदी को ही देख लो। भाई साहब कोई साइकिल को हवाई जहाज बनाना इनसे सीखे। और यार जैसा कि आप भी जानते हो कि ये पापा की परी है, स्कूटी का ब्रेक हाथों से नहीं बल्कि पैरों से लगाती है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि कभी कभी इनके पैर वाले ब्रेक भी फेल हो जाते हैं। ब्रेक नहीं है गाड़ी में? ब्रेक तो है पर चप्पल घिस गई है मेरी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और भाई साहब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनके पैर वाले ब्रेक कभी भी फेल हो सकते हैं, इसलिए इनके साथ स्कूटी पर भूल कर भी मत बैठना। गया भाई, इसीलिए बोलता हूँ यार इन परियों की ड्राइविंग पर कभी भरोसा मत करना, वरना लोग तो तारों के शहर जाते हैं, ये आपको झाड़ियों के शहर ले जाएगी। और अब तुम हमारी इस दीदी को देख लो, भाई साहब इनको पता है इनसे स्कूटी बाइक तो चलाई नहीं जाएगी, इसलिए दीदी ने हाथों में बच्चों का खिलौना ले लिया। यार देखो मुझे डर तो इस बात का है कि ये पापा की परी इसे ना पलट दे। और तुम लोग इन परियों को भूल कर भी हल्के में मत लेना। हाँ? क्योंकि भाई साहब इनके अंदर टैलेंट तो कूट कूट कर भरा है। और नॉलेज की बात, हाँ? अबे जाओ यार, इनके नॉलेज के आगे हमारे देश के लड़कों का नॉलेज कुछ भी नहीं लगता। अच्छा कोई महिला नेता जो अच्छी लगती हो किसी भी पार्टी की? हाँ अच्छी तो लगती है, बहुत सारी नेता जो अच्छी लगती है, जैसे नरेंद्र मोदी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और अब तुम इस पापा की परी को देख लो, भाई साहब जब इनसे स्कूटी नहीं उड़ाई जाती तब ये साइकिल को उड़ाने की कोशिश करती है। अरे दीदी ये एटलस गोल्ड 24 इंच की साइकिल है, इसके साथ शैतानी नहीं करते। गया। देखो यार आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी सड़कों पर ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। हा? साइकिल और स्कूटी गई भाड़ में, इन पापा की परियों से छोटे बच्चों की बाइक भी नहीं चलाई जाती। बताओ यार क्या होगा इनका। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। और यार मैं तो इन पापा की परियों को सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि भाई साहब ये हमें हंसाने के लिए रोज तगड़े तगड़े कांड करती है। अब तुम इन दोनों को देखो। और भाई साहब ये कांड करने के बाद ये दोनों पापा की परियां वहां से चुपचाप फरार हो जाती है। अरे दीदी इस महान काम का गोल्ड मेडल तो ले जाते हैं। और अब तुम इन मोहतरमा को देख लो, भाई साहब इनको पता है कि साइकिल की चैन उतर चुकी है, लेकिन नहीं इनको तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको तो साइकिल को हवाई जहाज जो बनाना है यार। गया। अरे दीदी ये हरकत करोगे तो धरती चाटोगे फिर। नो 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 नो। नहीं यार आपको क्या लगा था कि हमारी दीदी स्कूटी को गिरा देगी? अरे नहीं यार। हा? देखो आपकी जानकारी के लिए बता दूं
कि सारी पापा की परियां एक जैसी नहीं होती, और वैसे भी ये वीडियो ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस से बनाया गया है, इसलिए वीडियो को दिल पर मत लिया करो यार। सही पकड़े हैं। और अब मैं हमारे देश के लोंडो के टैलेंट की बात कर लेता हूँ, क्योंकि भाई साहब टैलेंट तो उनके अंदर भी लड़कियों से ज्यादा कूट कूट कर भरा होता है। और अब तुम इन भाई साहब का टैलेंट ही देख लो, गोल्ड मेडल तो इन्हें मिलना चाहिए था यार। नो 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 अरे भाई साहब अब रुक भी जाओ यार, ये पिछवाड़े में घुस गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ का इलाज करना भी बहुत मुश्किल है। ऐसा कौन करता है यार, नहीं देख रहे हो तुम हमारे देश में कितने टैलेंटेड टैलेंटेड प्राणी निवास करते हैं। भाई साहब मैं इनको 21 तोपों की सलामी करना चाहता हूँ। और अब तुम इन चचा का टैलेंट देख लो, भाई साहब कोई सांप पकड़ना इनसे सीखे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। नहीं देख रहे हो तुम, इसलिए बोलता हूँ यार, टैलेंट पापा की परियों के अंदर ही नहीं पाया जाता, बल्कि हमारे लोंडो के अंदर भी पाया जाता है। और यार आपको पता है इन पापा की परियों को गोलगप्पे इतने अच्छे क्यों लगते हैं? नहीं। हाँ भाई साहब मुझे भी नहीं पता था, इसलिए मैं इस बात की गहराई तक पहुँचने के लिए मार्केट की तरफ निकल गया, तो वहाँ पर मुझे यह नज़ारा देखने को मिला। नहीं देख रहे हो तुम इनको गोलगप्पे अच्छे क्यों नहीं लगेंगे यार, जब हमारे भाई साहब मसाला कहीं और से निकाल कर दे रहे हैं। दोस्तों वीडियो ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस से बनाया गया है, अगर आपको बुरा लगे तो मुझे माफ कर दो। और हाँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी फॉलो कर लो। आ जाओ यार बात बात कर लिया करेंगे। सही बात है। हाँ तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।